गुड मॉर्निंग एवरी वन मेरा नाम है वी सोमेश आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉर्शनल सॉरी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूं तो इसको हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस ठीक है जो अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस की बात करूं तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं जो हम अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस की बात करूं तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं देखिए स्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या क्या देखे थे नॉर्मल स्ट्रेस देखे थे टेंजेंशियल स्ट्रेस देखे थे इसमें भी नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है मगर इसको हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़, क्यों पढ़ते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार है ठीक है फॉर एग्जाम्पल क्या एक बार है यहां पर मैं क्या क्या टेंसाइल फोर्स लगाया मैंने ठीक है मैंने क्या किया यहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स लगाया अब टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा देखो यहां पर मैंने क्या किया यहां एक बार है इस बार पे मैंने क्या किया टेंसाइल फोर्स लगाया इसको मैं पी फोर्स बोल रहा हूं ठीक है जो कि क्या होगा आपका किलो न्यूटन पे आएगा ठीक और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो क्या है एल तो इसको हम क्या बोलेंगे टाई इस वाले इस मेंबर को हम क्या बोलते हैं टाई बोलते हैं सेम चीज अगर मैं बोलूं कि भाई ऐसा ना होके यहां पर क्या हो रहा है पी ऐसा लग रहा है ठीक है और इसका यूनिट भी क्या होगा आपका किलो न्यूटन ही होगा और लेंथ क्या है आपका ये एल ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रट या फिर कॉलम ठीक है ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट पे बताया था ये मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था अब जो समझने वाली बात है ठीक है अब जो समझने वाली बात है कि भाई ये प्रिंसिपल सेसेस से, जो अपन स्ट्रेसेस नॉर्मल सेसेस पढ़ेंगे वो, हो वो है तो है क्या ठीक है देखो अगर मैं बोलूं कि भाई इसमें हम पढ़ते क्या है तो देखो अगर मान लो इस छोटे से ये पूरे पार्ट में एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं मैं ठीक है ये छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं अगर मैं एक एलिमेंट का नेचर देखना चाहूंगा इस एलिमेंट मान लो उसको मैं क्या बोल रहा हूं ए अगर मैं इस एलिमेंट का नेचर देखना चाहूंगा तो इस कंडीशन में क्योंकि टेंसाइल ही लग रहा है थ्रू आउट तो इस कंडीशन में इसका एलिमेंट का भी क्या होगा वो ऐसा टेंसाइल ही लगेगा, ठीक है वैसे ही अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर में जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करें जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर आपको शुभम पढ़ा रहे तो उसमें अगर जैसे देखते हैं कि अगर मान लो कॉलम है ठीक है और स्लैब है उसके बीच में अगर शेयर क्रैक आया तो शेयर क्रैक कैसे आएगा वो वो आपका ऐसा फोर्टी डिग्री ऐसा बनाते हुए एलिमेंट लेता हूं ना उस पर्टिकुलर पॉइंट मान लो एलिमेंट लेता हूं तो एलिमेंट का नेचर कैसा होगा ये ऐसा यहां पर एक शियर लगेगा यहां एक शियर लगेगा यहां एक शेयर लगेगा और यहां इसका पेयर में लगाएंगे ठीक है और यह यहां पर मान लो ये अपन क्या लगा दिए पूरा फोर्स लगा दिए क्या फोर्स लगाए हमने इसमें इसमें क्या फोर्स लगाया हमने सिग्मा वाई सिग्मा वाई सिग्मा वाई सिग्मा एक्स और यहां पर जो ये लग रहा है इसको क्या बोल रहा हूं टाउ और ये क्या हो गया टाउ एक्स वाई ठीक है अब जो मैं यहां पर देखूं तो यहां पर क्या हो रहा है मैं क्या बताया ये जो क्रैक आता है शेयर क्रैक यहां पर कितना आया ये फोर्टी फाइव डिग्री के कारण आया ये किसके कारण आया आपका फोर्टी फाइव डिग्री के कारण है अब देखो यहां पर क्या है कि अगर मैं देखूं कि भाई थ्रू आउट अगर मैं पूरा कंसिडर करूं कि किसी भी बीम पे या किसी भी कॉलम पे हर एक सेक्शन पे अलग अलग चीज बिहेव करेगा सेंटर पे अगर मैं देखूंगा तो सेंटर पे बेंडिंग और कम, बेंडिंग के कारण कंप्रेशन और टेंसाइल आएगा और वहीं पर सपोर्ट में देखूंगा तो सपोर्ट में ही क्रैक आएगा तो सपोर्ट में आपको नेचर कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा तो हम क्या करने वाले हैं हम इसको पूरा स्टडी करेंगे इसी को ही हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस देखो जो बताने वाला हूं बड़े ध्यान से देखिएगा अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप अगर इसको देखना चाहें तो इसका क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है मैं लगभग कोशिश करूंगा कि आपको मोहर सर्कल से सिखाऊं ठीक है तो आप मोहर सर्कल्स का क्वेश्चन जैसे सॉल्व करता हूं मैं उसको देख के कोशिश कीजिएगा समझने का अगर आपको समझ में आता है या नहीं आता है तो बाकायदा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं ठीक है सेशन स्टार्ट हो गया अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं देखिए मैं अगर बात करूंगा कि भाई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है ठीक है कॉम्प्लेक्स पे तो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू बता दिया अब पहला अगर मैं देखूं तो उसका एक फॉर्मूला अगर देखें तो क्या है मैं एक पहले कंपोजिट मान के चल रहा हूं कि यहां पर जो एलिमेंट है उसको मैंने पूरा यहां पर बना दिया ठीक है ये मैंने एलिमेंट बना दिया इस एलिमेंट पे मैं क्या कर रहा हूं देखो इस एलिमेंट पे मैं क्या कर रहा हूं यहां पर क्या मान के चल रहा हूं सिग्मा एक्स लग रहा है यहां पर क्या लग रहा है सिग्मा वाई ठीक है यहां क्या लग रहा है आपका सिग्मा वाई और यहां क्या लग रहा है आपका सिग्मा एक्स पेयर पे यहां पर एक क्या लगता है इसको हम बोलते हैं टाउ एक्स वाई और यहां से यह ऐसा जाएगा और यहां से ऐसे जाएगा इसको हम क्या बोल रहे हैं टाउ एक्स वाई बड़े ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है वो क्या कि भाई स्... यहां पर क्या देख पा रहा हूं मैं पे स्ट्रेस जगह लग रहा है मगर ये किस टाइप का स्ट्रेस है ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है ये क्या है नॉर्मल स्ट्रेस है और यहां पर जो सिग्मा वाई लग रहा है ये भी क्या आपका नॉर्मल स्ट्रेस है इसीलिए इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं मगर ये इसको हम क्या बोलते हैं टाउ एक्स वाई इसको कई बुक में क्यू भी बोलते हैं ठीक है और इसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस इसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस और ये क्या होते हैं ये गिवन होते हैं ये आपके गिवन होते हैं अब एक चीज आपको बता देता हूं साइन कन्वेंशन कि अगर मान लो यहां पर क्वेश्चन क्या है जैसे मान लो यहां पर एक एलिमेंट मैंने कंसिडर किया बड़े ध्यान से समझिएगा वर्टिकल से एंगल बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा थीटा वर्टिकल से अगर एंगल बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा थीटा उसी तरीके से यहां से भी वर्टिकल से एंगल बनाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम थीटा तो ये जो थीटा होता है इसको हम क्या बोल के चलते हैं ये है पॉजिटिव थीटा ठीक है मतलब जो डेरिवेशन इसका हुआ है बना है वो इसी को मान के चले या तो आप ये मान सकते हैं या तो आप ये मान सकते हैं इसमें कोई डाउट तो नहीं है ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाने के लिए बता रहे हैं ठीक है चलिए अब देखो इसमें मैं क्या बताया आपको कि इसमें टू डायमेंशन पे लग रहा है एक ये लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस और एक ये लग रहा है तो जो मैं स्ट्रेस की बात करूंगा हम लोग टू डायमेंशनल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं ठीक है अब मैं टू डायमेंशनल स्ट्रेसेस की बात करूं तो टू डी टेन्सॉर आता है ठीक है क्या आता है टू डी टेन्सोर अमिताभ सॉ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अमिताभ देखो यहां पर क्या है अगर मैं टू डी टेन्सोर की बात किया तो टू डी टें का फॉर्मूला क्या होता है टू डी टेन्सॉर ठीक है देखो ये जो भी मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में भी आता है मैं आपको जितना हो सके इजी तरीके से बताऊंगा और जितना हो सके कम फॉर्मुला याद करवाऊंगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ठीक है अब देखो टू डी टेन्सॉर की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होता है मेट्रिक्स फॉर्मेट पे होता है तो मेट्रिक्स फॉर्मेट पे यहां पर आता है सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स और सिग्मा वाई इसको हम क्या बोलते हैं टू बाई टू का मैट्रिक्स बनेगा और ये क्या हो गया आपका टू डी टेन्सॉर प्लेन ठीक है इसमें अभी हम स्ट्रेस को देख रहे हैं ठीक है इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी हम स्ट्रेस को बोल रहे हैं सेम चीज स्ट्रेन पे भी होता है ठीक है सेम चीज स्ट्रेन पे भी होता है स्ट्रेन पे क्या हो जाएगा अगर मान लो यहां पर इसका मैं क्या बनाऊ इसका मैं स्ट्रेन कभी यही लिख देता हूं जैसे मान लो ये किस चीज के लिए है ये किस चीज के लिए है आपका स्ट्रेस के लिए है ठीक है और यहीं पर अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन पे क्या चेंज आएगा इसको हम एप्स बना देते हैं और यहां पर एक्स है तो एक्स हो जाएगा जहां पर आया ना, जहां पर आया, वहां पर फाइव एक्स वाई आएगा डिवाइड बाई टू आता है ठीक है ये याद रखिएगा जहां पर भी टाउ आएगा स्ट्रेस पे जितने फॉर्मुले हम पढ़ेंगे उसको अगर स्ट्रेन से रिलेटेड कंपेयर करना है तो आपको कुछ नहीं करना सिग्मा को एपसोलॉन पे कन्वर्ट कर डालिए और टाउ को किसमें पे कन्वर्ट कर दीजिए तो यह भी क्या हो जाएगा अब ठीक है यह तो यहां पर भी मैं क्या लिख सकता टाउ एक्स वाई बाई टू लिख सकता और यहां क्या लिखूंगा एप्सलॉन वाई तो ये किसका ट्रांसफर हुआ टू डी ट्रांसफॉर हुआ फॉर स्ट्रेन ये किसके लिए हुआ स्ट्रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप चाहे तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ठीक है इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको कमेंट करके बता सकते हैं दीपक गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग दीपक देखो अगर मैं यहां बोलूं तो मैंने क्या बताया आपको थीटा मैं मान लो यहां से ले रहा हूं तो ये क्या हो गया आपका थीटा अब जो बोलने वाला हूं बड़े ध्यान से समझिएगा यहां तक तो ठीक था इस पे यहां पर एक नॉर्मल फोर्स बनता है सिग्मा एन, जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर बनता है देखो ये भी प्लेन से परपेंडिकुलर बना मैंने आपको फर्स्ट यूनिट जब पढ़ाया था तब बताया था नॉर्मल की पहचान होती है कि वो प्लेन से परपेंडिकुलर बनाता है और वहीं पर टेंजेंशियल या फिर की मैं बात करूं तो शेयर की पहचान होती है कि वो सर्फेस से पैरल बनाता है फर्स्ट यूनिट पर मैंने बताया था और ये बहुत दर पूछा भी क्वेश्चन हुआ है ठीक है तो अब यहां पर देखो तो ये नॉर्मल हाँ ये प्लेन से यहां पर मैं लाइन खींचूंगा स्ट्रेट लाइन ठीक है मतलब ये और ये पैरल है तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका थीटा होगा मैथमेटिकली आप उसको रिजोल्व करके देख सकते हैं उतना ही आना है ठीक है मगर अब जो मैं बोलने वाला हूं बड़े ध्यान से समझिएगा यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब मान लो मैं ऐसा एक बनाया यहां पर मैं क्या बोल दिया इसको सिग्मा एन इसको मैं मैं क्या क्या बोल बोल दिया दिया सिग्मा सिग्मा और यहां पर टी देखिएगा इसको मैं क्या बोल रहा हूं सिग्मा एन और सिग्मा टी इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट बनाऊंगा तो इसको क्या बोल रहा हूं सिग्मा आर मतलब रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ किसका नॉर्मल स्ट्रेस एंड शिअर स्ट्रेस तो ये दोनों क्या गिवन है तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा इसको मैं बोलता हूं फाइव बड़े ध्यान से याद रखिएगा एंगल पूछता है कि एंगल फाइव मतलब एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी ये क्या होता है और किसके किसके बीच में बनता है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस और और नॉर्मल रिजल्टेंट रिजल्टेंट सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूं तो अब यहां पर देखो अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर तो मैंने फाइव बनाया तो मान लो रिजल्टेंट तो कहीं भी बन सकता है ना ये तो लाइन तो रिजल्टेंट डिपेंड करता है वैल्यू कहां पर है तो ये जो लाइन बनेगा इसको मैं अगर मान लो रिजल्टेंट बोलता हूं तो यहां से यहां तक का एंगल क्या होगा मैं जानबूझ के आपको यहां पर थीटा बना के दिखाया हूं कंफ्यूज करने के लिए कि भाई वैसा भी होता है कई बार क्वेश्चन में थीटा ऐसा ना देके यहां पर मेंशन कर दे पैरेलल बना दे तो आप समझ जाइएगी वो वैल्यू कितना है आपका थीटा का वैल्यू है ठीक है इस पर कोई डाउट तो नहीं है आपको चलिए अब देखते हैं इस कंडीशन पे जो मैं आपको एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी बताया था वो एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी क्या है ठीक है अब देखो एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी की मैं बात करूं तो यहां पर क्या है एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी ठीक है इसको मैं क्या बोल रहा हूं फाइव एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी इसको मैं क्या बोल रहा हूं फाइव अब बड़े ध्यान समझिएगा मैंने क्या बताया था कि भाई इनके बीच का जो यहां पर वैल्यू बनेगा वो क्या है यहां से यहां तक का ये क्या हो गया आपका फाइव और इसको मैं क्या बोल रहा हूं सिग्मा एन और यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं सिग्मा टी किसी किसी बुक में इसको टाउ थीटा भी बोलता है और इसको नॉर्मल थीटा भी बोलता है ठीक है और यहां पर क्या आएगा आपका सिग्मा रिजल्टेंट आएगा एक और इंपॉर्टेंट बात कंफ्यूज करने के लिए यहां पर अगर मान लो मैं सिग्मा एन बनाता हूं और यहां पर क्या बोलता हूं सिग्मा टी बोलता हूं तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी ये ना ही होगा ये होगा याद रखने के लिए यहां पर सिग्मा आर ये किसके बीच में बनता है वो आप हमेशा याद रखिएगा वो क्या है ये जो बनेगा ये एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी किसके में बनता है एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन कहां पर नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ठीक है तो ये एक बार मैं एन को एक बार मैं एन को ऊपर बना के दिखाऊं एक बार एन को नीचे बनाया हूं कंफ्यूज करने के लिए कि भाई ऐसा नहीं कि वो हमेशा बनेगा आपको बस इतना याद रखना है कि नॉर्मल के साथ रिजल्टेंट का पेयर होगा तो ही हम इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी अब इसका एक फॉर्मूला होता है क्या होता है फॉर्मूला इसका हम बोलेंगे टेन फाइव टेन फाइव मतलब क्या हुआ टेन थीटा का कंसिडर कर सकते हो परपेंडिकुलर बाई बेस तो यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो क्या आएगा सिग्मा टी आएगा ना तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा सिग्मा टी अपॉन अपॉन में क्या आएगा सिग्मा एन अपॉन में क्या आएगा आपका सिग्मा एन ठीक है N. ये है आपका एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी का ऑब्लिक इसको मैं क्या बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एग्जाम में पूछता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी क्या होता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी का formula क्या होता है अभी तक मैंने आपको सिग्मा एन और सिग्मा टी का वैल्यू नहीं बताया है जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर उसका वैल्यू होगा तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी क्या आएगा इसके बाद फॉर्मूला भी बता दूंगा इसका कि क्या आता है ठीक है तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं एंगल ऑफ अब एक चीज की कोशिश कीजिए कि अगर मैं मानता हूं देखो यूज करते वैल्यू अगर फाइव की वैल्यू जीरो अगर मैं बोल दूं फाई की वैल्यू जीरो, है, अगर मैं बोल दूं, फाई की जीरो है, मतलब ये यहां से यहां से यहां तक बना ही नहीं ये यहीं पर रह गया तो क्या होगा सिग्मा आर जो रिजल्टेंट आएगा वो सिग्मा एन के बराबर होगा कि नहीं होगा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एन देखो ये जो मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूं इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में इसलिए बता रहा हूं बड़े धी बड़े ध्यान से समझिएगा आप ठीक है ये जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और गेट एग्जाम में तो स्पेशली बहुत है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा अब अगर मान लो कि ये ऐसा ना होके ये यह यहां से यहां पहुंच जाए मतलब 90 डिग्री बना ले आपस में तो 90 डिग्री होता है ना नॉर्मल और इसका शेयर का तो अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 डिग्री बोल रहा हूं सॉरी फाइव की वैल्यू अगर ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 90 डिग्री हो गई तब क्या होगा तब के टाइम पे रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सिग्मा टेंजेंशियल के बराबर हो जाएगी होगी कि नहीं चलिए अब देखो कि यहां पर जो मैं बनाया हूं इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी के बाद हम क्या देखने वाले हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी के बाद हम देखेंगे कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है जो नॉर्मल स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूं वो नॉर्मल स्ट्रेस है क्या तो यहां पर मैं सबसे पहले देखता हूं नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस ठीक है नॉर्मल को किससे डिनोट कर रहे हैं यहां पर हम इसको हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा एन से और सिग्मा थीटा से बताया था मैंने आपको दोनों में से किसी से किसी भी आप डिनोट कर सकते हो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है याद रखने के लिए इसको याद रखिएगा मैं कंपोजिट जनरल इक्वेशन बता रहा हूं जिसमें मैं मान के चल रहा हूं सिग्मा एक्स सिगमाई और टाउ एक्स वाई का वैल्यू मुझे पता है ठीक है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा सिग्मा एक्स कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा ठीक है ये आप फॉर्मूला याद करिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं देखो जो मैंने आपको इसमें बताया है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट कैसे इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं ठीक है इसको सॉल्व करने पे एक और फॉर्मूला मिलता है वो फॉर्मूला क्या होता है जो बहुत फेमस फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू यहां पर साइन स्क्वायर था ना तो हम इसको याद रखने के लिए कॉस स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं ठीक है हम खाली इस पे काम किए हैं ये और ये ठीक है ये मैंने आपको बताया नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा दोनों फॉर्मूला क्यों दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपको आगे चल के समझ में आएगा और मैं तो ये बता देता हूं कई क्वेश्चन जब नॉर्मल स्ट्रेस का डायरेक्ट फॉर्मुला पूछता है तो मात्र मात्र इस फॉर्मुले में इतने वैल्यू से ही आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है इसीलिए मैं आपको बता दिया कि भाई ये सॉल्व करने पे आता ही है है इसका वैल्यू ठीक अब नॉर्मल में ये दो फॉर्मुला ही इंपॉर्टेंट है अब कंडीशंस के हिसाब से मैं जैसे उस पे बताया था एंगल ऑफ ऑब्लिक होता है इस पर भी मैं आपको बताऊंगा इससे पहले हम इस पर आते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस ठीक है अब मैं टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करूं तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या आएगा फॉर्मूला इसका इसका फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है ठीक है अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं देखो इसको मैं क्या बोलता हूं सिग्मा टी बोलता हूं या फिर सॉरी हाँ इसको मैं सिग्मा टी बोलता हूं या तो फिर मैं टाउ

tau एक्स वाई यहां पर साइन आया तो क्या लिखूंगा मैं कॉस टू थीटा ठीक है बड़े ध्यान से समझिएगा ये इसका टेंजेंशियल का फॉर्मूला है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट पूरा फॉर्मुला बता रहा हूं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ठीक है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइए देखो अब ये मैंने कंडीशन क्या बताया इसका जो मैं डायग्राम बताऊंगा वो डायग्राम क्या होगा ये जो हम मैंने कंडीशन बनाया इसका जो डायग्राम है वो क्या है इसका डायग्राम है ये यहाँ से प्लेन बनाएगा ये यहाँ से ऐसा प्लेन बनाएगा यहाँ से, यह manayega, यहां से यह ये प्लेन बनाएगा यहाँ से ये प्लेन बनाएगा ये अपवर्ड जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल पे यहाँ जा रहा है इसको मैं सिग्मा एक्स बोल रहा हूँ इसको मैं सिग्मा वाई बोल रहा हूँ ये आपका आया सिग्मा एक्स या आपका सिग्मा वाई ये टाउ एक्स वाई है और ये भी टाउ एक्स वाई है ठीक है देखो यहां पर ये हमको गिवन होता है जिसपे मैं क्या बोला या तो थीटा मैं यहां से बना दू या तो थीटा मैं यहां से बना दू तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं थीटा मैं यहां से बना रहा हूं ये थीटा मैं यहां पर कंसिडर किया यहां पर आपका आ जाएगा इसको मैं बोल रहा हूं सिग्मा एन ये इसके अलॉन्ग लग रहा है तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं उसको सिग्मा टी और इनके बीच में जो एक एंगल बनेगा इसको बोलता हूं फाइव इसको क्या बोल रहा हूं सिग्मा आर ठीक है ये हमको तीन वैल्यू निकालना होता है तो इस पे मैंने क्या देखा कि मेरे को सिग्मा एन पता चल गया सिग्मा टी का वैल्यू पता चल गया सिग्मा आर अभी भी अननोन है तो यहां पर हमको एंगल ऑफ ऑब्लिक चाहिए था तो एंगल ऑफ अब्लिक्यूटी तो हमको फाइव से निकल जाएगा टेन फाइव से ठीक है और मैं अगर रिजल्टेंट की बात करूंगा तो सिग्मा आर की वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू होगी रूट ओवर सिग्मा टी का स्क्वायर सॉरी पहले एन लिख देते हैं सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर तो ये है आपका इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ठीक है इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको चलिए दीपक आ रहा है सर वेरी गुड दीपक अब देखो ये ये तो आपको समझ में आ गया था ना है ना सिगमा आर और सिगमा एन अब ऑब्लिक्यूटी पता चल गया हमको हमको नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है ये भी पता चल गया अब मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं कि कब कंडीशंस है ये तो एक जनरल कंडीशन है जब हमको क्या पता होगा ये वैल्यू भी पता हो जब हमको ये वैल्यू भी पता हो ये वैल्यू भी पता हो और ये वैल्यू भी पता हो तब हम ये तीन वैल्यू निकाल पाएंगे 1 2 3 और ये चार वैल्यू निकाल सकते है ना अब मैं आपको देखो इसके बाद मैं आपको सीधा ना, इसी से मोहर भी सिखा दूंगा और कल हम इसके रिलेटेड हम प्रिंसिपल से 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 सीधा काम करेंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं ये फॉर्मूला भले बहुत लोग को याद हो जाता है ये लोग को याद नहीं होता तो ये बता देता हूं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन मोहर सर्कल से खत्म हो जाएंगे सॉल्व करने में और मोहर सर्कल अगर आपको समझ गए तो बहुत शानदार तरीके से आप हर क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो बड़े ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए देखो तो नॉर्मल सेसेस और टेंजेंशियल सेसेस मैंने खत्म कर दिया अब मैं यहां पर कंडीशन ले रहा हूं फर्स्ट कंडीशन यहां पर इसको मान लो इसको मान लो मैं केस वन ले रहा हूं ठीक है केस वन जो मैं केस वन की बात कर रहा हूं तो केस वन में मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं सिंगल मतलब डी सिस्टम अब ये जो था ये टू डी सिस्टम है मगर यहां पर खाली इसमें तीन फोर्स लग रहा था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई अब मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मेरे को खाली वन डी सिस्टम मतलब या तो सिग्मा एक्स लगेगा या तो सिग्मा वाई लगेगा ठीक है या तो सीधा प्योर शेयर लगेगा अब मैं देखता हूं कि क्या करना है तो सबसे पहले मैं एक कंडीशन मान के चल रहा हूं जिसमें एलिमेंट की अगर मैं बात करूं वो यहां पर मैं क्या मान के चल रहा हूं यहां पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है P, और इस कंडीशन पे अगर अगर मैं इसका मान लो एक एलिमेंट है इसका अगर मैं ड्रॉइंग बनाऊंगा इस हिसाब से तो वह ड्रॉइंग कैसा बनेगा उसका भी यहां पर यहां पर क्या बनाएंगे हम टेंसाइल है तो टेंसाइल बनाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे सिग्मा एक्स और ये क्या आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स ठीक है अब जो मैं बता रहा हूं बड़े ध्यान से समझिएगा इस कंडीशन में भी क्या बनने वाला है थीटा तो यहीं से बनेगा ना और यहां पर भी क्या बनेगा सिग्मा एन और यहां क्या बनेगा सिग्मा टी और बीच में जाकर आपका रिजल्टेंट बनेगा अब मैं यहां पर टेंसाइल कंडीशन बना रहा हूं तो ये ए का एलिमेंट का ये एक, है। वो जूम वर्जन है एलिमेंट को यहां पर ऐसा बनाए हैं क्या हुआ एलिमेंट को हमने क्या किया जूम कर दिया ठीक है तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई वहां पर भी क्या लग रहा है जो स्ट्रेस होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन ही लग रहा है अब इसका अगर मैं फॉर्मुला पूछूं तो फॉर्मूला क्या होगा मैं चाहूं तो नेक्स्ट स्लाइड कर सकता था मगर फिर जबरदस्ती इसको लिखना पड़ता बोलकर मैं आपको इस इसी में समझा रहा हूं अब देखो ये दो फॉर्मूला हम यूज करते हुए इसका डायरेक्ट फॉर्मला निकालेंगे सिग्मा एन की वैल्यू निकालना है मेरे को इस केस पे जब मैं मान रहा हूं वन डी सिस्टम ठीक है वन डायमेंशन सिस्टम ठीक है बड़े ध्यान से देखिएगा देखो यहां पर अगर मैं बोलूं मेरे को सिग्मा एन की वैल्यू चाहिए जो सिग्मा एन की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या मालूम मेरे को स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन पे पता है तो यहां पर अगर ये पता तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा ना तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका जीरो आ जाएगा तो इसमें मैं क्या लिख सकता सीधा सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट इसका ये फॉर्मुला मिल गया मेरे को ठीक है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप कमेंट करके बताइए अब यहां पर मेरे को एक चीज तो पता चल गया कि भाई डायरेक्ट अगर क्योंकि मेरे को ये पता है और इसका वैल्यू मैं अगर मान सिग्मा ही ले लेता हूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता सिग्मा कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अब सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट यह मिला ये अपर वाले फॉर्मुला से निकाला मैंने अब लोअर वाले फॉर्मुला पे आते हैं तो यहां पर क्या आएगा देखो अब यहां पर एक्स तो दोनों में है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया अब बचा ये अब इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू कितना निकलेगा देखो यहां पर यह कट गया तो क्या लिखूंगा सिग्मा एक्स बाई टू, प्लस, क्या सिग्मा एक्स बाई टू मगर अब यहां पर क्या आ जाएगा कॉस टू थीटा अब ये वाला टर्म तो जीरो है इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो वैल्यू क्या निकाल सकता सिग्मा एक्स बाई टू कॉमन बाहर निकल जाएगा वन प्लस Cos theta. अब अगर आप देखें तो इसमें और इसमें बस एक यही अंतर है और इसका वैल्यू क्या होता है cos, cos square theta का इसका आता है तो ये भी अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपको Sigma x एक्स कॉस थीटा यही ना आएगा ठीक है तो अगर आपको दोनों मालूम होता तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता और सीधा आपका आंसर क्या आ जाता ये आ जाता ठीक है इसीलिए मैं आपको दोनों वैल्यू याद करने बोला हूं और भी आपको रीजन बता देता हूं इसको अगर याद नहीं भी रखेंगे तो भी उसका आंसर आ जाता मगर आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता मैथमेटिकल मैथमेटिकलेशन आपको मालूम होने चाहिए एंगल पे हाफ एंगल पे कैसा फॉर्मूला लगता है और इस पर कैसा लगता है अब आ जाते हैं सिग्मा टी पे ठीक है अब आ जाते हैं सिग्मा टी पे तो अगर सिग्मा टी की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू में अगर मैं इसको वैल्यू जीरो करता हूं तो क्या आएगा सिग्मा एक्स आएगा टू थीटा आएगा डिवाइड बाई टू आएगा यही आएगा अब साइन टू अपॉन टू इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या साइन टू मैं क्या लिख सकता हूं सिग्मा लिख सकता हूं अब मैं यहां पर क्या लिख सकता साइन टू थीटा को टू साइन थीटा थीटा ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता लिख सकता हूं डिवाइड बाई टू कर दिया तो ये ये कट जाएगा तो अब जो इक्वेशन आया वो कितना आया सिग्मा एक्स साइन थीटा कॉस थीटा जहां पर मैं सिग्मा एक्स की अगर वैल्यू पुट कर दूं तो वैल्यू कितना मिल रहा है इसका वैल्यू मेरे को मिल रहा है सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है तो इससे हमको क्या पता चला इससे हमको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिला ठीक है और इससे हमको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला इसमें किसी को डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं नौ लोग लाइव हैं अभी भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं चलो अभी अपने पास टाइम है तो मैं आपको और भी बताता हूं इसमें और क्वेश्चन कैसा पूछता है अभी मैं इसको इससे डिराइव किया ना मान लो मैं खाली इसी को डील कर रहा हूं ठीक है मान लो मैं अभी इसी को डील कर रहा हूं इतने पोर्शन को सिग्मा सॉरी सिग्मा टी इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया सिग्मा एक्स अपॉन टू साइन टू थीटा मैंने बस इतना कंसिडर किया ठीक है अब देखो फॉर्मुला मैं कहीं पर भी मैं सॉल्व करते जा रहा हूं मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं कुछ भी चीज ठीक है ऐसा नहीं कि भाई इसको क्यों यूज किए जब ये बना चुके हो तो मैं एक फॉर्मुला बनाना चाह रहा हूं तो मैं इसको जबरदस्ती क्यों यूज करूंगा मेरे को जो बेसिक से याद है वहीं से स्टार्ट करेंगे तो अब देखो सिग्मा की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा क्या होता है सिग्मा होता है आपका स्ट्रेस यह क्या होता है आपका स्ट्रेस और किस टाइप का स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई ए इसका फॉर्मूला क्या होता है पी बाई ए तो अगर मान लो इसका मैं फॉर्मूला पी बाई ए रख रहा हूं तो इसको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए यहां पर मैं नॉर्मल स्ट्रेस रखा तो क्या लिखूंगा पी बाई टू ए साइन टू आएगा कि नहीं आएगा आएगा जिस तरीके से यह सॉल्व हुआ उस तरीके से इसको भी सॉल्व करके पी बाई ए के फॉर्म पर रख सकता हूं ना मैं मगर मैं इसको इसी फॉर्म में इसलिए रखा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पी बाई ए के फॉर्म पे दिया है तो डायरेक्ट इसको भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं अगर आपको याद होता है तो नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे मैं डिराइव किया हूं आप ऐसे डिराइव करके सॉल्व कर सकते हैं तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन यूज करते हुए फॉर्मा यूज करते हुए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ठीक है तो ये था आपका कंडीशन अब फर्स्ट केस पे मैं आपको जैसे ऑब्लिक्यूटी का बताया था ऑब्लिक्यूटी का भी वैसे आपको बताता हूं कि अगर मेरे को नॉर्मल सेस को मैक्सिमम निकालना हो और टेंजियल सेस को मैक्सिमम निकालना हो वन डी कंडीशन पे तो कैसे सॉल्व करेंगे सिग्मा एन की है मैं बात करूं तो देखो फॉर्मूला फाइनली कितना आया ये आया अब किसी भी चीज का मैक्सिमम और मिनिमम जानने के लिए आपको साइन थीटा कॉस थीटा का यहां पर जरूरत पड़ रहा है तो पहला एक फंडा है उसको भी समझ जाइए कि क्या होना चाहिए कि भाई वो फंडा क्या है कि अगर मैं बोलूं साइन 90 डिग्री इसकी वैल्यू होती है वन ठीक है और मैं बोलूं कॉस जीरो इसकी वैल्यू होती है वन ठीक है बस आपको यह याद रखना है बस आपको यह याद रखना है आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे कैसे न्यूमरेटर में क्या बना हुआ है स्क्वायर स्क्वायर थीटा अब किसी का मैं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा वैसे अगर मैं बाकी इन दोनों को वैल्यू छोड़ दूं तो बाई में आता है वैल्यू वन बाई टू रूट थ्री बाई टू ऐसा आता है वैल्यू तो बाई में सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही है तो अगर मेरे को इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मैं क्या निकालूंगा सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कमेंट करके बताइए मैंने हिंट दे चुका है जिनको भी समझ में आ रहा है वैल्यू क्या होना चाहिए देखो थीटा की वैल्यू मैंने बताया यहां पर, कि यहां पर क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए तो अब 90 की मैं बात करूं तो यहां पर देखो सॉरी यहां पर क्या होना चाहिए थीटा वैल्यू जीरो होनी चाहिए क्योंकि अगर थीटा वैल्यू जीरो तभी तो ये वन आएगा यहां पर कॉस है ना तो कॉस का वैल्यू अगर मैं यहां पर जीरो बोल रहा हूं तो वन आएगा तो यहां पर क्या लिखूंगा थीटा की वैल्यू यहां थीटा की वैल्यू क्या हो गई ये थीटा की वैल्यू जीरो थीटा वैल्यू जीरो में वन का स्क्वायर भी वन ही आता है और यहां पर कितना आ जाएगा सीधा सीधा मैक्सिमम क्या आ जाएगा ये अब मैं क्या बोल सकता हूं मैं ये बोल सकता नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है One होती है समझ में आया आपको फंडा सीधा सेकंड अगर मैं टेंजेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे ठीक है इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा अब मेरे को यह वैल्यू पता है यह वैल्यू फॉर्मुला पता है और यह वाला फॉर्मुला पता है अब अगर इसमें मैं पुट करूंगा तो इसमें क्या होगा देखो अब थोड़ा लॉजिक लगाओ कि यह वाले फॉर्मुले में ये जो हमको वैल्यू पता है इसमें इस पर यूज करूंगी इस पे यूज, इस पे यूज किस ज्यादा ईजीली कर सकता हूं मैं जिसको देख के अपन को इजी लगेगा तो देखो साइन थीटा न्यूमरेटर में है उसकी वैल्यू वन चाहिए मुझे तो क्या है साइन थीटा नाइनटी डिग्री है और यहां पर कितना है टू थीटा है तो मतलब क्या होना चाहिए थीटा जो होगा आपका होगा फोर्टी फाइव डिग्री तो यहां पर क्या लिख सकता थीटा की वैल्यू कितनी होगी फोर्टी फाइव डिग्री सिंपल सी बात है अब अगर मैं बोलू थीटा की वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्री है तो उस कंडीशन पे क्या होगा यहां पर यह हो तो मतलब तो वैल्यू क्या लिखूंगा तो वैल्यू आ रहा है किससे पता लाइन से पता चला, चला. ठीक है अब मैं इससे फॉर्मेट से, इस से यूज किया अब यहां से भी कर लेता हूं तो क्या आएगा साइन 45 डिग्री कितना होता है वन बाई रूट टू

वो आपको मिलेगा इसका जो अगर एग्जाम्पल पूछू मैं इसका तो इसका एग्जाम्पल आप बताइएगा ट्रस इसका आप एग्जाम्पल बताइएगा ट्रस।, ट्रस पे हम कंडीशन देखते हैं कैसे क्योंकि ट्रस पे एक्सियल लोड लगता है ट्रस पे किस टाइप का लोड लगता है एक्सियल लोड और एक्सियल लोड कौन से प्रकार के होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं एक्सियल लोड होते हैं दो टाइप्स के पहला एक होता है टेंसाइल और दूसरा एक होता है कंप्रेशन ठीक है एक होता है आपका टेंसाइल और एक होता है आपका कंप्रेशन देखो मैं कोशिश कर रहा हूं देखो यहां तक मैंने आपको बताया इसको मैं जूम करके आप इस फर्स्ट केस का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ठीक है आप फर्स्ट केस का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ये काफी हेल्प करेगा आपको समझने के लिए एन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी जब वैल्यू थीटा हो सॉरी जीरो होगी और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा हमको जब वैल्यू कितनी होगी फोर्टी फाइव डिग्री होगी अब इसका एक सीधा सिंपल क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं आप उसका जवाब दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूं जैसे अपन टेंसाइल कंडीशन पर देखते हैं ना क्या देखते हैं कि यूटीएम में अगर हमने रॉड को रखे उसको खींच रहे हैं टेंसाइल कंडीशन पे तो वो फेल होगा तो अगर मान लो माइल्ड स्टील का रॉड को, को खींचा गया तो उस कंडीशन पे मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस कितना आएगा मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की मतलब बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा आपका टाउ मैक्स ठीक है जो कहां पर आ रहा है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री माइल्ड स्ट्रेस के लिए माइल्ड स्टील सॉरी माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील की वैल्यू पूछा हूं मैं माइल्ड स्टील पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी अगर आप यह बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा है मैंने आपको ठीक है तो बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा है वो क्या कि भाई मेरे को शीयर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए अब यहां तो मैं हिंट दे दिया 45 डिग्री पे ही आता है करके मैक्सिम तो शेयर की वैल्यू चाहिए किसकी माइल्ड स्टील की अंडर टेंसाइल कंडीशन कौन सा मशीन पे हम काम कर रहे हैं यूटीएम पे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ठीक है तो इस कंडीशन में अगर मैं पूछता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो आप कमेंट करके बताइए ठीक है चलिए कमेंट तो किसी का आया नहीं तो मैं आपको मैं ही बता देता हूं कि देखो सिग्मा एफ वाई जो मैक्सिमम आता है वो कितना आता है माइल्ड स्टील के लिए ये आती है आपके वैल्यू 250 मेगा वैल्यू कितनी आती है 250 मेगा पास्कल. और मैं अगर टाउ मैक्स की बात करूं तो इस कंडीशन में क्या होगा ये तो इसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा वाई भी तो बोलते हैं तो सिग्मा वाई बाई टू हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना आएगा वन ट्वेंटी फाइव मेगा पासको तो आप समझिए समझने की कोशिश कीजिए ये जो वन डी हम पढ़े हैं ये फर्स्ट यूनिट से रिलेट करता है फर्स्ट यूनिट पे हम पढ़ चुके हैं और आप अगर सोचते होंगे कि भाई ये मैक्सिमम कैसे आया तो फॉर्मुला अब यहां से डिराइव हो रहा है इसी को सबसे लास्ट क्यों पढ़ा रहा हूं मैं इसके बाद भी एक पोर्शन है जैसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बचा है और थ्योरी ऑफ फेलियर्स ठीक है जो बहुत कठिन पोर्शन है जो कि एमटेक सिलेबस है मगर वो उसमें डाल चुके हैं तो हम उसको भी देखेंगे मगर आप इसको ध्यान दीजिए जो बता रहा हूं वो ये कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सॉरी टाउ मैक्स की अगर हम बात करूं तो ये वैल्यू जो आता है कि भाई सिग्मा बाई टू ये कहां से आया ये यहां से आया जिसका फॉर्मुला मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर बता चुका है ठीक है ये पूरा मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका है तो आप बड़े ध्यान से समझिए कि ये सब वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूं इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है ठीक है पूछूंगा कि भाई अगर वाई डायरेक्शन पे लग रहा है तो वाई डायरेक्शन में सब जगह फॉर्मुला सेम आएगा कंडीशन भी सेम आएगा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बस यहां पर जहां पर एक्स लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा वाई वाई आ जाएगा ठीक है क्योंकि फॉर्मूला वैसे ही जेनुइन है हाँ बस इस कंडीशन में क्या होगा ये वाला जीरो हो जाएगा और ये वाला जीरो इसका वैल्यू अपन को मिलेगा ठीक है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट शॉट यहां कंप्लीट आ रहा है आप यहां से खींच सकते हैं और इस कंडीशन पे जो हमको फॉर्मूला मिला था क्या मिला था टाऊ मैक्स की वैल्यू कितनी मिली थी सिग्मा बाय 2 इसकी वैल्यू कितनी आई थी 125 मेगा पास्कल क्यों क्योंकि इसके जो टाऊ की वैल्यू होती है सिग्मा एफआई या फिर टाऊ की वैल्यू बोल रहे हैं आती है 250 मेगा पास्कल ठीक है अब इसको यहां से हम डिलीट करके देखो तो हमने क्या देखा फर्स्ट केस देख लिया अब सेकेंड केस की मैं बात करूं तो अब सेकेंड केस को बताने से पहले मैं शेयर पे आ जाएंगे तो मैं सीधा आपको एक मोहर सर्कल बता देता हूं क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा कम है ठीक है तो मैं आपको सीधा मोहर सर्कल बता देता हूं ताकि आपको इजी लगे और समझने में लगे कि यार इतना इजी होता है क्या करके तो यहां पर मैंने मोहर सर्कल पहले ही बना के रखा हुआ है ठीक है अब इसको मैं अगर डायरेक्ट समझाऊंगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो पहले मैं आपको एक बता देता हूं कि साइन कन्वेंशन मोहर सर्कल का कैसा होता है उसके बाद फिर आपको वो डायग्राम दिखाऊंगा ठीक है तो अब देखो मोहर सर्कल की बात कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं सॉल्व अब मोहर सर्कल मोहर सर्कल देखो मैं हर एक कंडीशन को बताऊंगा उसका मोहर सर्कल बताऊंगा ठीक है इसीलिए मैं साथ ही साथ करवा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो बड़े ध्यान समझिएगा क्या होता है तो देखो मोहर सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा ना तो यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया अब देखो मोहर सर्कल काम कैसे करता है उसमें क्या क्या वैल्यू आपको ध्यान रखनी है वो समझ लीजिए कि मोहर सर्कल में जितने भी एंगल होंगे वो डबल होते हैं मतलब फॉर्मूला में अगर मैं थीटा लिखता हूं तो यहां पर मेरे को क्या बनाना पड़ेगा टू थीटा ठीक है और अगर मान लो क्वेश्चन में यहां से उसका उल्टा करना पड़ रहा है जैसे मोहर सर्कल से मेरे को क्वेश्चन पे उतरना है तो यहां से डिवाइड कर देंगे आप थीटा लेके आने के लिए ठीक है, क्लियर है आपको फंडा चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे देखो यहां पर अगर मैं लाइन की बात करूं तो मान लेते हैं ये एक सेंटर लाइन पे जा रहा है अब ये सेंटर है कि नहीं आपको ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा मान लो यहां से ये मैंने एक सेंटर पे यहां पर एक सेंटर बना दिया रुको सबसे पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूं कि क्या होता है फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्या देखा कि भाई ये एक डायरेक्शन है इसको मैं वाई डायरेक्शन मान रहा हूं इसको मैं एक्स डायरेक्शन मान रहा हूं ठीक है इतना तो पता है बस आप सीधा समझिएगा कि नॉर्मल स्ट्रेस यहां पर क्या आता है नॉर्मल स्ट्रेस ठीक है और जो भी वाई डायरेक्शन पे बनेगा इसको हम बोलते हैं शीयर स्ट्रेस क्या बोलते हैं शीयर स्ट्रेस पहला ये कंडीशन को मालूम होना चाहिए दूसरा साइन कन्वेंशन बताने के लिए अगर मान लो मैं इसको क्या मानता हूं ओ इसको मान लेता हूं ओ मतलब जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और वहां से ये जो डिस्टेंस है ये अगर मैं इस साइड जाता हूं इसका मतलब क्या हुआ ये पॉजिटिव बता रहा है और ये क्या है आपका टेंसाइल उसी तरीके से अगर मैं इस साइड जाता हूं तो यहां पर ये क्या बता रहा है नेगेटिव बता रहा है और ये क्या हो गया आपका कंप्रेशन ठीक है ये आपका साइन कन्वेंशन है ये क्या आपका साइन कन्वेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े ध्यान से आप समझिएगा एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस अब यहां पर मैं डायरेक्ट अब सीधा इस पे आ जाता हूं कि इस पे हमको ड्रॉइंग जो बनाएंगे वो कैसा बनना चाहिए तो उसके लिए एक सीधा पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना तो मान लो क्वेश्चन देखता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं यहां पर मान के चल रहा हूं डी कंडीशन ले रहा हूं एक्स भी कंसिडर कर रहा हूं y भी कर रहा हूं तो मान के चलो सेकेंड केस है तो केस पे यहां पर समझाने के लिए बता रहा हूं फिर केस का का डेरिवेशन भी बता दूंगा आपको यहां पर x की वैल्यू कितनी आई ये आई सिग्मा y की वैल्यू कितनी आई सिग्मा x की वैल्यू कितनी आई सिग्मा y की वैल्यू यहां पर आई ठीक है इस कंडीशन पर को बनाना है और यहां पर क्या है आपका ये कितना वैल्यू थीटा है और यहां से क्या बन रहा है सिग्मा n और यहां से बन रहा है आपका सिग्मा t और ये जो बनाएगा एंगल ऑफ फाई और इसको मैं क्या बोल रहा हूं सिग्मा r ठीक है ये थोड़ा हौजपच हो गया आपको यहां पर को समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको कई बार बता चुका है अब सीधा मोहर सर्कल पे अगर फोकस करते हैं हम तो यहां पर क्या है? ये 2 डायमेंशन बना पहले ये 2 डी सिस्टम है ये क्या है आपका 2 डी सिस्टम है इस कंडीशन का अगर मैं बताऊं कि भाई इस कंडीशन में अगर मेरे को बनाना है वैल्यू तो देखो ये दोनों कंडीशन पे मैंने क्या कर लिया दोनों का टेंसाइल कंसिडर किया मतलब ओरिजिन से वो दूर जाएगा तो फॉर मान लो यहाँ पर पॉइंट पॉइंट है है ये एक है ओ। इसकी वैल्यू कुछ सिग्मा है ठीक है इसकी वैल्यू कुछ है वैल्यू जो कि इससे ज्यादा है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इसकी वैल्यू अगर मान लो 250 ले लेते हैं 250 स्ट्रेस की वैल्यू तो किसमें आएगी मेगापास्कल में ठीक है तो क्या लिख सकते हैं इसको मेगा और इसका क्या निकाल लिया हम लोग मान लो इसका वन ट्वेंटी फाइव मेगा है बड़े ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं जितने भी लाइव हैं आप बड़े ध्यान से समझिएगा ये ओ पॉइंट है इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं पहले एक्स बढ़ाऊंगा तो यहां से यहां तक मैं गया और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को मैं क्या बोल दिया ए पॉइंट ठीक है साथ ही साथ मैं लिख रहा हूं ओ ए जो ओ ए है वो क्या है आपका सिग्मा एक्स जो कि क्या आपका है, है क्योंकि ओरिजिन से सॉरी ओ से इस साइड गया अब वहीं पर सिग्मा वाई अगर देखो तो जस्ट इसका हाफ है ना तो इसका हाफ अगर मान लो यहां पर कहीं आता है तो ये कोई पॉइंट है इसको मैं क्या मान लिया बी पॉइंट इसको मैं क्या मान लिया बी पॉइंट तो ओ से बी क्या होगा सिग्मा वाई होगा ओ से बी क्या होगा सिग्मा बी होगा अब इसके बाद अगर मैं करूं कि यहां पर कैसे करेंगे सॉल्व इसी कमेंट आ रहा क्या नहीं देखो इसको अगर मैं बोलूं कि किसको क्या वैल्यू होना चाहिए तो इस कंडीशन में सर्कल बनाएंगे अब सर्कल जो बनता है यहां पर क्या बताया मैंने थीटा है और मोहर सर्कल में डबल बन जाता है ना तो अब क्या करना होता है ये दोनों पॉइंट मिला मेरे को ठीक है इन दोनों पॉइंट से एक सर्कल बनना चाहिए ये सर्कल नहीं है पर मान के चलो सर्कल है क्योंकि अब रफ बना रहा ना मैं ये सर्कल है इन दोनों का जो सेंटर होगा वो पॉइंट होगा ये दोनों का सेंटर जो होगा वो पॉइंट होगा ये इस पॉइंट को मैं मानता हूं N. इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूं N. अब इस पॉइंट से यहां पर कितना एंगल एंगल बना रहा था ये एंगल था ये थीटा तो मैं क्या बताया मोर सर्कल में डबल होता है तो यहां से ये एंगल बना रहा हूं ये पी वैल्यू ले सकते हो अब इस पे ये जो एंगल बना इसको मैं मान रहा हूं टू थीटा ठीक है इसको मैं क्या बोल रहा हूं टू थीटा और यहीं पर इसको अगर मैं ऐसा ड्रॉप करूंगा तो इसको मैं मान लेता हूं Q, P Q, ठीक है अब ये मोहर सर्कल यहां पर कंप्लीट हो गया इस कंडीशन के लिए बस अब आपको ध्यान देने है क्या क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस और ये जो वैल्यू है वो क्या है देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ आपका फाइव जो कि क्या बोल रहा था मैंने एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी यहां से यहां तक मैंने क्या बताया अभी वाई एक्सिस पे क्या काम करता है शियर काम करता तो सिग्मा टी और यहां से यहां तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा एन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा एन यहां से यहां तक का वैल्यू कितना था सिग्मा वाई सिग्मा वाई और यहां से यहां तक का जो वैल्यू था यहां से यहां तक का जो वैल्यू था इसको मैं क्या बोल रहा हूं सिग्मा एक्स ठीक है यह आपका मैंने मोहर सर्कल बताया इस मोहर सर्कल में किसी को भी डाउट है तो अभी बेझिझक पूछ सकते हैं क्योंकि अभी इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट बताता हूं कि अगर मान लो एक कंप्रेशन हो गया तो क्या करना पड़ेगा इस तरीके से बहुत सारे कंडीशन है मगर अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको लगता है इसमें फिर से समझाने की जरूरत है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए अगर आप लिखेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा ठीक है तो इसको जो मैंने बताया इसका मोहर सर्कल पे यहां पर तो सबसे पहले इसका साइन कन्वेंशन का फोटो खींच लीजिए अगर चाहे तो ठीक है ये वाला पोर्शन को गायब कर देंगे ठीक है अब मगर आपको अगर स्क्रीनशॉट खींचना है तो इसका खींचेगा क्योंकि इसको मैं बहुत फुर्सत से बनाया था आराम से समझाने के लिए अब देखो यहां पर मैंने एक और चीज यहां पर जो मैंने को बताया नहीं वो क्या है ये छूट गया था जो अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया देखो इस कंडीशन पे इस कंडीशन पे ये नॉर्मल बना और ये टेंजेंशियल बना तो नॉर्मल टेंजेंशियल अगर फॉर्मूला क्या बताया था सिग्मा आर का इजी टू तो क्या होता है सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर ये कब आता है जब वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल बनाए तो यहां पर राइट एंगल बन रहा है कितना है आपका 90 डिग्री है। तो यह क्या हो जाएगा सिग्मा आर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इस कंडीशन में मेरे को यह बताऊं कि रेडियस रेडियस ऑफ सर्कल यह बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े ध्यान से समझिएगा आप सॉरी देखो रेडियस ऑफ सर्कल की मैं बात करूं रेडियस ऑफ सर्कल की बात करूं तो क्या आएगा इसको मैं क्या लिखूंगा टाउ मैक्स इसको मैं क्या लिखूंगा टाउ मैक्स की कहां से कहां से, N से P. इसको मैं क्या लिख दिया टाउ मैक्स देखो अगर मैं बात करूं इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन क्या बताया मैंने मोहर सर्कल से सॉल्व हो जाते हैं दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला वो है ये ये अगर आपको मालूम है कि मोहर सर्कल का रेडियस है तो आपको आधे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको खाली मोहर सर्कल बनाओ और सट्ट से आंसर बता सकते हो रेडियस कितना है ठीक है मैं आपको पूरा का पूरा वैसे ही सिखाऊंगा जिस तरीके से मैं पूरा क्वेश्चन विदाउट एनी फॉर्मूला जो पहले पढ़ाए हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं मैक्सिमम तो मैं बोल सकता हो मतलब लगभग नाइनटी जो आज तक एग्जाम में आए हैं नाइन के ऊपर भी बोल सकते हो वो खाली मोहर सर्कल से बन जाएगा अगर आपको मोहर सर्कल आए जरूरी नहीं है कि ये ग्राफिकल मेथड है तो पूरा वैल्यू को एकदम लिख के बैठा बना होगा नहीं क्योंकि हमको खाली उसका एक आइडिया चाहिए होता है ठीक है तो उस आइडिया से सॉल्व कर पाएंगे आपको दो से तीन लेक्चर में इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आप खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो बड़े ध्यान से देखिएगा तो मैं क्या बताया इसको हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल अब आप जो मैं बताया चाहे तो इसका स्क्रीन खींच सकते हैं यहां पर मैं क्लियर कट लिख देता हूं कि किसको क्या क्या बोलते हैं देखो ओ से ए की मैं बात करूं ठीक है ओ से ए की बात करूं तो इसको मैं क्या बोला था सिग्मा एन इसको मैं क्या बोला सॉरी सिग्मा एक्स जो कि यहां पर क्या है आपका टेंसाइल है टेंसाइल नेचर का है ओ से बी देखो एक और चीज बता देता हूं मेरे को ये जो नंबरिंग है ना वो मेरे को याद है जैसे यहां से ओ से ए को मैं सिग्मा एक्स मानता हूं ओ से बी को मैं सिग्मा वाई बोलता हूं तो आप भी याद कर लीजिए क्यों बताऊंगा क्योंकि आप सीधा देख के बता सकते क्या होगा। मैं कैसे करता हूं है यहां पर देखो ओ से बी का आ गया था अब ओ से एन की वैल्यू बात करूं तो ये कोई नहीं है क्योंकि ओ से क्यू तक का डिस्टेंस है वो क्या होता है सिग्मा एन तो ओ से क्यू तक का वैल्यू कितना है सिग्मा एन और अगर मैं बोलूं ओ से तक का वैल्यू तो ओ से पी तक वैल्यू कितना है सिग्मा आर इसको रिजल्टेंट को सिग्मा आर बोल रहे हैं और यहां पर मैं देखूं कि वर्टिकली कितना जा रहा है तो पी से क्यू आएगा? तो पी से से आएगा की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू क्या है सिग्मा टी ये तीन वैल्यू हमको निकालनी होती है ये तीन वैल्यू हमको निकालनी होती है जहां पर फाइव ये क्या है यह है आपका एंगल ऑफ ऑब्ली ठीक है इसको हम क्या बोल रहे हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी और मैंने आपको बताया था इसका भी मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन आता है ठीक है यहां पर ये हो गया और लास्ट टाउ मैक्स की वैल्यू टाउ मैक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां पर इसकी वैल्यू होती है रेडियस ऑफ सर्कल कौन सा सर्कल मोहर सर्कल ठीक है रेडियस ऑफ सर्कल किसका ये मोहर सर्कल का हर कंडीशन पे मोहर सर्कल अलग बनेगा ठीक है कल हम कोशिश करेंगे पूरा 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 का मोहर सर्कल पे डील करें कि कैसा होगा इससे पहले जो बच गया वो भी अपन डील करेंगे ठीक है तो आज और कल का अगर आप सेशन बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको इस टॉपिक पे पूरा कॉम्प्लेक्स सेसेस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेसेस पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला कभी भी ठीक है तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार बता सकते हैं आप देखो वन डी कंडीशन पे अगर मैं बोलूं अभी जैसे बताया मैंने आपको वन डी कंडीशन पे अगर मैं बोलूं कि जस्ट हम लोग जो पढ़े थे वन डी कंडीशन पे कंडीशन क्या था फॉर्मा हमने ये निकाले थे यहां पर क्या बोल दिया थी? इसको अगर X है सिग्मा है है और यहां पर ये थीटा बना रहा है, तो क्या बनेगा अब मैं एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं मोर सर्कल पे एक पॉइंट बनाते हैं ओ ठीक है तो उसको क्या बोल दिया मैं ओ यहां से मैं एक लाइन खींचा क्योंकि एक ही बचा है ना ओ से ए जाऊंगा ओ से ए जाऊंगा ओ से ए क्या होता है सिग्मा एक्स यहां से मैं क्या बोल दिया सिग्मा एक्स गया अब देखो बी पता है मेरे को क्या बी मतलब से क्या होता है सिग्मा बी। सिग्मा मतलब यहां पर क्या होगा ये वाला वैल्यू ये पता है क्या वाई नहीं ये तो वैल्यू भी गिवन नहीं है तो जीरो हो गया तो ओ पॉइंट पे ही बी होगा क्योंकि वो वहीं पर है ना आगे बढ़ा ना ऊपर गया तो ये बना और सर्कल अपन किससे बनाते हैं ओ से ए से बी पे सर्कल बनता है तो सर्कल क्या बनेगा ऐसा बनेगा ठीक है सर्कल क्या बन गया ऐसा बन गया इसके बीच का जो एंगल बनेगा थीटा यहां से इनका हाफ जो होता है पॉइंट उस हाफ पॉइंट पर मैं क्या बनाया था एन इसको मैं क्या सॉरी एन ठीक है नीचे इसलिए बनाया क्योंकि थीटा ऊपर बनाना होता है अब मान लो इस पे अगर मेरे को बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा यहां से यहां तक बनाऊंगा कितना एंगल होगा ये टू थीटा होगा ड्रॉप होगा ये क्या होगा पी ये क्या हो गया आपका क्यू O से पी जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं सिग्मा आर ठीक है और वहीं पर इस कंडीशन में इसको क्या क्या बोलते हैं सिग्मा सिग्मा यहां यहां से यहां तक का आपका ठीक है अब जो मैं बोलने वाला हूं बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे को क्वेश्चन पूछा था टाउ मैक्सिमम कितना होता है तो टाउ मैक्सिमम भी हम लोग माइंड निकाले थे तो ये जो वैल्यू है यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं उसको

ठीक है यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस कंडीशन के लिए इसका मोहर सर्कल यह बनेगा और इस कंडीशन पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है यह आ रहा है आप चाहे तो आप चाहे तो इस पर स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं ठीक है देखो जो भी मैं बता रहा हूं आपको ठीक है हो सकता है आप लोग को पता होगा हो सकता है नहीं पता होगा मगर एक तो जरूर बता रहा हूं आपको कि आपको कुछ तो कुछ नया जानने जरूर मिलेगा ठीक है आपको कुछ तो कुछ नया जानना जरूर मिलेगा सॉरी मैं सबका कमेंट नहीं पढ़ पाया था प्रॉब्लम हो गया था नेट पे मेरे बंद हो गया था एक्चुअली फोन शुभम की पाठशाला नाइस एक्सप्लेनेशन थैंक यू शुभम संजीवनी गार्डन गुड जॉब थैंक यू संजीवनी अभिनंदन पति ऑसम सर थैंक यू सर देखिए अब क्या है जो मैंने आपको बताया ठीक है अभी मैंने आपको जो बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि हम लोग इस हिसाब से पूरा सॉल्व करने वाले हैं और हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना भी आज मैंने बताया इससे कम से कम चार से पांच छोड़ो दस से पंद्रह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा डायरेक्ट 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 फॉर्म पूछते हैं कंडीशन में पूछता है कि अच्छा क्वेश्चन क्या पूछता है भी बता देता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछ ले कि वन डायमेंशनल कंडीशन पे मोहर सर्कल का रेडियस क्या है क्वेश्चन सीधी बात है आंसर होगा सिग्मा बाई टू खत्म ठीक है वो आप तभी एनालाइज कर पाओगे जब इसकी वैल्यू को आप इमेजिन कर पाते हो ओ से ए ओ से बी ओ से एन ऐसा करके पूरा सॉल्व करोगे अगर आप ऐसा सॉल्व नहीं कर पाते हो तो थोड़ा दिक्कत होगा इसीलिए मैं आपको जितना हो सके ऑप्टिमम स्पीड रख करके मैंने पूरा पढ़ाया एक बार मैं आपको पूरा समझा देता हूं कि मैंने क्या बताया था आप चाहे तो फिर से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं जो जिन्होंने नहीं खींचा होगा ठीक है देखिए यहां पर सबसे पहले हमने देखा कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स का डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेन ठीक है यहां पर हमने स्ट्रेस और देखा इसके बाद हमने क्या देखा इसके बाद हमने देखा कि एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है इससे भी क्वेश्चन पूछा है ठीक है इसके बाद अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल से इसका ये पूरा एक के लिए मैंने इसको पहले से रखा था जो आप देख चुके होंगे तो बताया सॉल्व करके तो Next, कल पर सेकेंड केस देखेंगे ऐसा करके बहुत सारा केस देखेंगे जितना अच्छे से सीखोगे उतने क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर पाओगे ठीक है अब यह मोर सर्कल का मैंने पूरा आपको जस्ट बता दिया कि किसको कैसे रिलेट करते हैं यहां पर ये आपको जस्ट स्क्रीनशॉट खींचने के लिए मैंने इसको पहले से बनाया था समझाने के लिए मैंने आपको इस वाले पेज से समझाया है ठीक है आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं कि ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया ये यह कंडीशन में बताया कि इसका वैल्यू कितना आएगा और लास्ट जो हम पहला वन डायमेंशन स्ट्रेस पर काम किए तो उस कंडीशन पे मोर सर्कल क्या आएगा और अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा ठीक है इतना मैंने बताया है अगर आपको किसी को डाउट है तो जरूर बताइए चलिए तो आज का सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं अगर कोई डाउट है तो बेजी जगह आप कमेंट कर सकते हैं और या तो पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है थैंक यू